Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you're doing absolutely fine. गाइस 2022 का सेकंड मंथ यानी कि फरवरी का मंथ खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और शुरू होगा मार्च का मंथ। फरवरी के मंथ में हमने देखा काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए, खास करके मेजोरिटी ऑफ द पीपल रियलमी 9 प्रो प्लस के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन इस फोन की प्राइस ने हमें निराश किया। एनीवेज मार्च के मंथ में भी काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग स्मार्टफोन्स मार्च 2022। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। शुरुआत करते हैं Redmi Note 11 Pro सीरीज के साथ। ये सीरीज के अंदर लीक्स के अकॉर्डिंग दो स्मार्टफोन होंगे, एक तो है Redmi Note 11 Pro 4G और दूसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 11 Pro 5G वेरिएंट। अब ये जो 5G वाला वेरिएंट है वो किसी और नाम से भी आ सकता है, जैसे कि Redmi Note 11 Pro Plus या तो Redmi Note 11 Pro Max। खैर हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है फोन अच्छे फीचर्स के साथ एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए। अब दोस्तों Redmi Note 11 Pro 4G और Redmi Note 11 Pro 5G इन दोनों फोन में प्रोसेसर को छोड़कर काफी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हैं, तो फीचर्स के साथ मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन के फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड पर आपको ग्लास देखने को मिलेगा और इसी के साथ बॉक्सी फ्लैट डिजाइन। दोनों ही फोन की थिकनेस 8.1 mm और दोनों ही फोन का वेट 202 ग्राम। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में 6.61 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, इसी के साथ गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर Xiaomi ने दोनों ही फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 11 Pro का जो 4G वेरिएंट है वहां पर आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, और जो 5G वाला वेरिएंट है वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर ऑफर किया गया है। सिंपल लाइन में मैं अगर आपसे कहूं तो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर एक पावरफुल और अच्छा प्रोसेसर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं MediaTek Helio G96 से। अब ये जो प्रोसेसर है वो कहां पर स्टैंड करता है, तो Qualcomm Snapdragon 750G और Qualcomm Snapdragon 768G के बीच का प्रोसेसर है। Snapdragon 720G, 730G एंड 750G से पावरफुल प्रोसेसर है। दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप एंड हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसी के साथ दोनों ही फोन में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में सेम 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो दोनों ही फोन को 0 to 100% 42 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, IR ब्लास्टर सेंसर, तो ये सारी चीजें आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोनों ही फोन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर को लेकर, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम टू सेम है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको एक साल से ज्यादा फोन को यूज करना है तो ऐसे में Redmi Note 11 Pro 5G एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही जल्द 5G नेटवर्क की शुरुआत होने वाली है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जियो इंडिया में 1000 सिटी के अंदर आने वाले दिनों में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने की तैयारी में है, तो बेहतर यही है अगर आपको वाकई में नए स्मार्टफोन की जरूरत है तो 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, और वो भी फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। ये फोन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। BIS और NBDC वेबसाइट पर ये फोन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन की प्राइस Realme 9 Pro Plus से कम होगी। 21 से 22000 के प्राइस रेंज में आप इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो इस फोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये एक 5G स्मार्टफोन है, इस चीज को हमें याद रखना है। अब इस फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी होने वाली है, लेकिन डिस्प्ले के टॉप साइड पर आपको वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलेगी,
जो लीक्स बता रहे हैं उसके हिसाब से। अब ये वाटर ड्रॉप नॉच कुछ लोगों को पसंद आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो इस फोन में एक्सिनोस 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक नया प्रोसेसर है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 5G बैंड भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 पर होगा और UI 4 का यूजर इंटरफेस। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप होगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में 6000mAh की मॉन्स्टर बैटरी होगी और 15W या तो 25W की फास्ट चार्जिंग होगी। तो ये थे लीक्स के अकॉर्डिंग सैमसंग गैलेक्सी M33 5G के स्पेसिफिकेशन। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Xiaomi 12X। Xiaomi की ओर से ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए कर्व डिस्प्ले के साथ तो आप इस फोन का जरूर से वेट कर सकते हैं। Xiaomi की ओर से ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जहां पर आपको 6.2 इंच की OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस, इतना ही नहीं गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, Qualcomm Snapdragon 870 5G प्रोसेसर जो कि आज की डेट में भी सबसे अच्छा और पावरफुल प्रोसेसर है और इसी के साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 12 पर होगा और MIUI 13 का यूजर इंटरफेस। ये फोन मोस्ट प्रोबेबली दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज और जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट होगा 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 4500mAh की बैटरी एंड 67W की फास्ट चार्जिंग जो इस फोन को 0-100% सिर्फ 39 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर भी आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, विच इज ए क्वाइट गुड। फोन काफी अच्छा है लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पॉइंट पर। ये फोन चाइना में 36,000 की आसपास की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, आप इंडिया में 40,000 से नीचे की प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है पोको X4 Pro 5G। इस फोन की प्राइस 20,000 से नीचे होगी जहां पर आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर होगा जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस फोन के रियर साइड पर 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा एंड 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 पर होगा और MIUI 13 का यूजर इंटरफेस, 5000mAh की बड़ी बैटरी होगी एंड 67W की फास्ट चार्जिंग। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 10 Pro। ये फोन मार्च के मंथ में ही लॉन्च होगा और Amazon एक्सक्लूसिव होगा। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। OnePlus 10 Pro की जो डिजाइन है वो बिल्कुल यूनिक किस्म की है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं पिछले OnePlus के फ्लैगशिप स्मार्टफोन से। फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ ग्लास देखने को मिलेगा और सेंटर में एल्यूमिनियम की फ्रेम। फोन का जो वेट है 200 ग्राम। ये फोन दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। लुक और डिजाइन को लेकर आपको इस फोन से कोई भी निराशा नहीं होगी। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में 6.7 इंच की LTPO2 AMOLED डिस्प्ले ऑफर की गई है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन और ये एक कर्व डिस्प्ले है। ओवरऑल एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में डिस्प्ले को लेकर जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें इस फोन की डिस्प्ले में ऑफर की गई हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन में 2022 का फ्लैगशिप प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर ऑफर किया गया है लेकिन इस प्रोसेसर में हीटिंग का इश्यू है। तो हीटिंग इश्यू को कम करने के लिए OnePlus ने इस फोन में मोस्ट एडवांस कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। अब ये सिस्टम किस तरीके से काम करती है वो देखना होगा। ये फोन 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस रखी गई है 54,500 रुपीज। दूसरा जो वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइस रखी गई है 58,000।
और जो सबसे हायर वेरिएंट है 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 61,500। इसी के साथ LPDDR5 रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर होगा और ऑक्सीजन OS 12 का यूजर इंटरफेस। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर F1.8 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो दोस्तों इस फोन में 5000 एमएच की बैटरी ऑफर की गई है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, इसी के साथ 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। इस फोन में आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी और सेंसर को लेकर आपको इस फोन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे सेंसर इस फोन में ऑफर किए गए हैं। इंडिया लॉन्च की बात करें तो ये फोन फरवरी के एंड में लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है और इस फोन के बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस 60,000 से नीचे होगी। तो ये थे दोस्तों वो स्मार्टफोन्स जो आपको मार्च के मंथ में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और नए स्मार्टफोन की जैसे जैसे मुझे अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कौन से एक फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।